हेलो बर्सलवर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बर्सलवर से, जिस तरह कि आपको पता है सीज़न स्टार्ट हो चुका है बर्ड्स का, तो उस सिलसिले में मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तो मैंने बॉक्स वगैरह तो लगा दिए थे और सफाई सफुई करके धूप वगैरह लगा के, लेकिन काफ़ी लंबा काम था, मैं वीडियो नहीं बना सका। ठीक है, तो मैंने बॉक्स वगैरह लगा दिए थे, लेकिन आज 12 रबी अव्वल है, माशाल्लाह मुबारक दिन है। तो आज हम अपने बर्ड्स को नेस्टिंग देंगे। मैं नेस्टिंग तैयार कर रहा था, ये सारी मैंने नेस्टिंग इधर तैयार की है, ये देखें, ये सारी नेस्टिंग मैंने तैयार की है अभी। तो मैंने सोचा नेस्टिंग देते हुए आपको वीडियो बनाते हैं। अभी मैंने इन्हें काटा है, हाथ मेरा कैंची चला चला के थक गया, तो मैंने काट तो लिए, लेकिन अब क्या करेंगे, अब देंगे। तो मैंने कहा आपको बताता हूँ मैं किस तरह देता हूँ। और यहाँ पे मेरा दाना भी सूख रहा है, ये देखें, ये दाना सारा मैंने रखा हुआ है, ये सारा दाना सूख रहा है। ये थोड़ा यानी कि री रियूज दाना था, मैंने इसको डाल दिया, इसको मैंने धो दिया। ये थोड़ा सा ना लग रहा था कि यार थोड़ा इशू होगा, तो मैंने इसको धो दिया। अब ये सूखेगा तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा दाना, तो फिर मैं इसे दूंगा। आमतौर पर मैंने जो किया हुआ, मैं आपको अपने सेटअप पर दिखाता हूँ। मैंने अपने सेटअप पे सारे देखे हैं, वीडियो बॉक्स वगैरह लगा दिए हैं और यहाँ पे भी लगा दिए हैं, इधर भी सारे बॉक्स वगैरह लगा दिए हैं मैंने। ठीक है, बॉक्स लगा दिए हैं, देखिए बर्ड्स अंदर जा आ रहे थे। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, हफ्ता हो गया इन्हें बॉक्स से लगे थे। नेक्स्ट थिंग मैंने कहा रबी लवल के मुबारक दिन पर दूँगा, तो आज इंशाल्लाह इन्हें नेस्टिंग भी देंगे और तैयारी तैयारी देखते हैं आगे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 दिन तक इंशाल्लाह अंडे आना शुरू हो जाएंगे। मौसम अब चेंज हो रहा है ऐसा ऐसा, तो नेस्टिंग तैयार करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। नेस्टिंग मैंने सारी काट ली थी, वैसे मैंने सारी काट ली थी, अब मैं इसको ऊपर नीचे करके ज़रा मिक्स कर लूँ। हाँ मिक्स वगैरह करेंगे इसे, और अब इसका बनाते हैं हम घोंसला। घोंसला तो बनाते हैं इसका एक, तो और नेस्टिंग उसके अंदर रख देंगे। ये इस तरह करके ना आप, मैं ये देखिए चीज़ें, आप जितना मर्जी जो है ना इसको आप जिस तरह मर्ज़ी सेट कर लें, लेकिन तोते ने अपने आप भी सेट करना है। थोड़ा सा हम इस तरह कर लेंगे इसको, इसको हमने ऐसे डालना है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो। अब शायद आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ, माइक नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अगर माइक लगाता ना तो ये जितनी ये डस्ट उठा रहा है ना तो सारे माइक पर लग जाने थे, इसलिए मैंने माइक नहीं लगाया। ठीक है, अब ये नेस्टिंग का घोंसला बनाते हैं, पहले इसे खोलते हैं अच्छी तरह। अगर आप नेस्टिंग ऐसे भी डाल देंगे बॉक्स के अंदर थोड़ा सा सेट करके, इस तरह घोंसला सा बना के, ये इस तरह ज़रा करके, बस इस तरह थोड़ा ना गोल करके, बस गोल करके ना इसी तरह, ये आपने इस तरह गोल करके बस नेस्टिंग थोड़ी सी रख देनी है बॉक्स के अंदर, बाकी ने बर्ड ने ना खुद ही सेट करना है। ठीक है, जितना मर्ज़ी आप सेट कर लें, लेकिन उस हर बर्ड के, हर परिंदे की ना अपनी सेटिंग होती है, उसके मुताबिक कोई बर्ड्स होते हैं फुल आपको नज़र भी नहीं आएगा बॉक्स के अंदर बर्ड बैठा हुआ भी, इतनी नेस्टिंग करेंगे। और कुछ बर्ड होंगे जो थोड़ी नेस्टिंग करेंगे, तो आपने नेस्टिंग एक तो बॉक्स के अंदर रख देनी है थोड़ी सी, जिस तरह मैंने अब ये बना के रख रहा हूँ, लगाऊँ ये थोड़ी ज़्यादा है, ये इतनी बना के मैं रख दूँगा। ठीक है, बाकी थोड़ी नेस्टिंग मैं अंदर डाल दूँगा। ठीक है, तो वो अपनी सेटिंग खुद ही कर लेंगे, फिर एक हफ़्ते बाद मैं दोबारा थोड़ी नेस्टिंग दे दूँगा, फिर उनकी अच्छी वाली सेटिंग हो जाएगी। इस तरह ये एक से दो क्लच एक ही नेस्टिंग में करेंगे, फिर तीसरे क्लास में मैं सबके दोबारा नेस्टिंग चेंज कर दूंगा, क्योंकि गंदी हो जाएगी ना, बच्चे वगैरह निकल आएंगे। तो इस तरह सर्कल चलता है, तो मैं इसी तरह ये अब बना लेता हूँ, इस तरह ये घोंसला मैं बनाता हूँ, और हर बॉक्स के अंदर रख देना। 30 घोंसले बनाने हैं, 30, टाइम तो लगेगा, कोई बात नहीं।
मेहनत करनी पड़ती है भाई, ऐसी थोड़ी बन रही है। देखो कैसा घोंसला बना, सिंपल सा है। इस तरह आपने घोंसले बनाए जाएं और रखते चले जाएँ। क्या बात, सुना है कराची में बड़ी मुश्किल से ही नेस्टिंग मिलती है, अब शायद मिल रही हो। मैंने तो पहले वीडियो देखता था, मैं कराची वाले, कराची में मोस्टली जो लोग हैं इसको धो के रखते हैं, यानी कि नेक्स्ट सीजन के यूज़ करने के लिए। अगर है ऐसा तो मुझे बताएं, क्योंकि वहाँ पे ये पंजाब की में मिलती है, मैंने सुना था, किसी ने मुझे बताया था, वहाँ पर बहुत ये महंगी भी होती है और मिलती भी नहीं है। अगर है हमारे तो यहाँ पर भाई, ये मेरी जो सारी आई है 180 रुपये किलो आई है सिर्फ, और ये मैं सारी लेकर आया हूँ 500 रुपए की, 500 रुपए की स्पून से ये सारी मुझे मिल गई है। वहाँ पे क्या रेट है, कराची में क्या रेट है, आप ज़रा बताएं मुझे। चले मैं इस तरह ये बनाता रहता हूँ, ये 30 बनाने हैं, कब तक आप देखेंगे मुझे, आगे जब मैं रखता हूँ तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने ये बना ली है, ये बनी है मेरे पास, ठीक है, ये बाकी बच गई है, तो इसको हम बोरी में डाल देते हैं और ये बाकी लेके चलते हैं। ये बाकी मैं ले गया था, आ जाए कैमरे पर फोकस करें, आ जाए आ जाए। ये मैंने रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, अब दरवाज़ा ज़रा बंद कर लेते हैं, नहीं तो कोई उड़ने के भी चांस होंगे। ये एक एक करके मैं क्या करूंगा, इनका बॉक्स खोलूंगा। ओहो, इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया था। देखिए ये मैंने पहले बताया कि मेरे बॉक्स के अंदर अंदर जाना शुरू हो गए हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पहले बॉक्स से लगा दिए थे, आप मैसिंग लूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी भीड़ आएगी। इसको मैं अब ये नेस्टिंग को अंदर रख दूंगा, इस तरह थोड़ा सा हाथ से ढिलाई करके इस तरह मैं रख दूंगा बस इसके अंदर, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ी सी मैंने गुलाई कर दी है, ये अभी खुद सेटिंग आके करेंगे, ठीक है। इस तरह ये मैं रखता चला जाऊंगा, बाहर पकड़ते हैं उसे, ये अब अच्छा मैंने पहले क्या है, अगर आप देखें बॉक्स के अंदर, मैंने देखे इसके अंदर ना वो डाल देता पाउडर, अब तो यहाँ आके बैठते हैं, अंदर पाउडर लाजमी डालना है हमने, क्योंकि पाउडर इसलिए लाजमी डालना है क्योंकि सारी नेस्टिंग नीचे गिर गई है, पाउडर इसलिए लाजमी डालना है, इधर पाउडर इसलिए लाजमी लगा रहा है क्योंकि कीड़े पैदा हो जाते हैं, ठीक है। ये इतना मना, ये खुद ही आएंगे, खुद ही सेटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे हफ्ते चला जाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी, आगे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेंगी। बिरयानी अमीर के फेमस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जरूर आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।